बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे भाइयों, अगर आप किसी के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, जो भी कॉल उसको आएगी तो वही कॉल आपके पास भी आएगी, लेकिन इस वीडियो को आप भाई ने लास्ट तक देखनी है और कहीं पर भी आप भाई ने स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो आप भाई ने नोट कर लेनी है। और इसके अलावा ये कोड देखने के बाद वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप कोड देख लेंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोबारा ही कहूंगा कि वीडियो को आप भाई ने कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और शुरू कर लेते हैं। अच्छा मेरे भाइयों, जिसके ऊपर आप नजर रखना चाहते हैं तो उसका मोबाइल आपके पास एक मिनट के लिए होना लाजमी है, ठीक है। वो मोबाइल आप ले लीजिएगा, वहां पर आप भाई ने एक कोड डायल करना है। सबसे पहले यहां पर आप भाई ने ये बात समझनी है, सेम नेटवर्क होना चाहिए बगैर जोंग के। जोंग का अगर उसके पास जोंग है, ठीक है, तो आप किसी भी नंबर के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉल आपके नंबर पर आ जाएगी, ठीक है। चाहे कोई भी आपके पास मतलब सिम हो, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर जोंग है, अगर जोंग नहीं है वहां पर टिलनोर है, तो आप भाइयों ने टिलनोर टू टिलनोर कनेक्ट करना है। मोबलिंग है तो मोबलिंग टू मोबलिंग कनेक्ट करना है। अगर यूफोन है तो यूफोन टू यूफोन कनेक्ट करना है, ठीक है। और जिस नंबर पर ये नहीं लग रहा तो उसके हेल्पलाइन के ऊपर आप भाइयों ने कॉल करनी है। जो मैं कोड बताने जा रहा हूं आप भाइयों ने नोट करना है। उसके मोबाइल से आप भाइयों ने डायल करना है *61*, फिर समझिएगा *61*, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पूरा नंबर डायल करना है, ठीक है। उसके मोबाइल से आपने अपना नंबर पूरा डायल करके हैश लगाना है। जैसे आप ओके करेंगे, यस करेंगे, काम तमाम हो गया, फिर आप भाई ने वहां मोबाइल जो है ना वापस कर लेना है। अब जो भी कॉल उसके पास आएगी, अगर वो 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर नहीं उठाएगा तो वही कॉल आपके पास आ जाएगी। और अब आप ये कहेंगे कि यार हमें कैसे पता होगा कि ये हमारा अपनी ही कॉल है या उसका कॉल है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप भाइयों को एक छोटा सा तीर का निशान नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये कॉल आपका नहीं होगा, उसका होगा, ठीक है। मतलब अगर वो उसको अगर कोई कॉल करता है वो नहीं उठाता, तो उसके बाद 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद आपके पास आ जाएगा। जैसे आपके पास आएगा तो ये तीर का निशान होगा और इसका मतलब ये होगा कि आपका अपना कॉल नहीं है बल्कि उसका कॉल है, ठीक है। इसको खत्म करने का जो कोड है वो भी आप नोट कर लें, *61#, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा। और ये भी यहां पर आप भाई ने बात समझनी है, अगर उसके पास बैलेंस होगा तब आपके पास ये कॉल आएगा, अगर उसके पास बैलेंस नहीं होगा तब ये आपके पास कॉल नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ और तरीके से मैंने आप भाई के सामने रखा था और यहां पर मेरा माइंड में कुछ और आ गया तो मैंने कुछ नया करके दिखाया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप भाई को बहुत पसंद आई हुई होगी और आप भाई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो YouTube पे लाइक का बटन जरूर दबाएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए शेरगानी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।